हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है आफ्टरनून का टाइम और आज मुझे मॉर्निंग से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया कि मैं ब्लॉग अपना बना सकूँ। तो अभी 4 o'clock हो गए हैं और आज मैंने ताशु के जो हेयर हैं इनको वॉश किया था, तो सुबह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया था कॉम करने का। तो अभी मैं कॉम कर रही ताशु का फेस है। जब भी मैं इसके बाल कॉम करती हूँ तो इसको बड़ी गुस्सा आती है। इसी तरीके से ही अपना ही फेस बनाती है। अच्छा बना लो, आप भी तो हेलो बोल दो सबको। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, बता दो आप कैसी हो। ठीक हूँ। ठीक हो? तो जब भी मैं इसके हेयर कॉम करती हूँ तो इसको ऐसे ही नखरे रहते हैं। तो अभी मैं पहले इसके हेयर कॉम करके इसको रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अब इसको करनी होगी पढ़ाई बैठ के। अभी इनका हॉलीडे चल रहा है तो बस इसी तरीके से थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती है, ज़्यादा तो चलती नहीं है इनकी। ये तासु की पढ़ाई चल रही है और मैंने मॉर्निंग में ही मशीन लगा ली थी, तो आज मैंने सारे जो भी कपड़े थे वो सारे मैंने धो के तैयार कर लिए हैं। और मैं वीक में सिर्फ एक ही बार लगाती हूँ, रोज़ रोज़ मैं नहीं लगाती हूँ। पानी भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इससे, और इतने कपड़े भी नहीं होते हैं कि मैं रोज़ मशीन लगाऊँ, क्योंकि मैं डेली के जो कपड़े होते हैं उन्हें मैं हाथ से ही धो देती हूँ। जो भी हल्के हल्के कपड़े होते हैं उनको मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ, तो उससे फिर ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। कपड़े फोल्ड करने के बाद हस्बैंड के आने का टाइम भी हो जाएगा, तो मैं कुछ छोटा सा एक स्नैक्स बनाने जा रही हूँ। और आप लोग भी वीडियो में आगे तक बने रहिए और ये रेसिपी मैं पूरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं आ गई हूँ फिर से किचन में और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय की तैयारी। करती है मैंने चाय बनने रखती है और उसके साथ ही मैं पिज्ज़ा बनाऊँगी। बहुत ही इंस्टेंट तरीके से पिज्ज़ा ये बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। और इसकी भी मैंने सारी तैयारी करके रख ली है, तो फिर चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। मैं पिज्ज़ा बनाऊंगी, उसके लिए यहाँ पे मैंने 3 सब्जियाँ ले ली हैं, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। इन तीनों को लंबा लंबा काट लिया है। आपके पास इनके अलावा भी कोई भी सब्जी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीली लाल शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इन तीनों का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके साथ ही ये पिज्ज़ा की सीजनिंग भी है मेरे पास, और ये थोड़े से चिली फ्लेक्स भी हैं, और हमें टमेटो केचप भी चाहिए होगा तो वो भी है मेरे पास। और अब हम पिज्ज़ा किससे बना के तैयार करेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये हैं पराठे और ये मॉर्निंग में मैंने बनाए थे। तो अगर आपके पास इस तरीके से मॉर्निंग के पराठे या रोटी बची हुई रखी है तो आप बहुत ही टेस्टी पिज्ज़ा इंस्टेंट बना सकते हैं। बच्चों को तो सबसे ज़्यादा ही ये पसंद आता है। तो अभी इवनिंग टाइम हो गया है, थोड़ा सा स्नैक्स चाय के साथ तो सभी को पसंद ही आता है। तो चलिए फिर पिज़्ज़ा की पहले तैयारी कर लेते हैं। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे आप इसे लोहे के तवे पे भी बना सकते हैं, पर नॉन स्टिक पैन में क्या होता है कि इसकी जो नीचे का बेस होता है ना, जब हम पराठे पे बनाएंगे पिज़्ज़ा तो वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। तो अगर आप क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करें। तो हम पहले एक पराठा ले लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले हम टमेटो केचप लगा देते हैं। तो मैंने पूरी में टमेटो केचप लगा दिया है। अब जो सब्जियां मैंने काटी थी उन्हें भी मैं लगा देती हूँ। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे ये अमूल की डाइस चीज़ है, ये मोजरेला चीज़ होती है जो कि पिज़्ज़ा के लिए ही स्पेशली आती है। तो उसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग। और ये देखिए पैन को मैंने गर्म कर दिया था और इसमें हम थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। आप चाहें तो इसमें बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने पिज़्ज़ा अपना रेडी करा है, तो जैसे ही पैन गर्म हो जाता है उठा के इसको हम इस
इसमें रख देंगे। बहुत ही सावधानी से रखना है और इसको रखने के बाद आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए और आपको लगे कि अब ये अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो गया है, तब तक आप इसको पकाएं। पर पकाने के लिए हम इसको लिड लगा देंगे जिससे चीज़ बहुत ही जल्दी और आसानी से मेल्ट भी हो जाएगी। तो ये देखिए चाय हमारी बनके तैयार हो गई है और यहाँ पे पिज़्ज़ा भी हमारा रेडी हो गया है। तो इसे हम खोल लेते हैं। तो जो चीज़ हमने डाली है वो भी सारी मेल्ट हो गई है और पराठा भी नीचे से क्रिस्पी हो गया। जो नीचे का बेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा आप आवाज़ सुन सकते हैं ना, कड़क हो गया, बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा भी बन गया है। तो चलिए तो ये देखिए पिज़्ज़ा का जो बेस है कितना बढ़िया बना है और ये हमारा पिज़्ज़ा। तो चलिए इसे खा के देखते हैं। चलो ठीक है, दूसरा पिज़्ज़ा आएगा तो आप बताओ कैसा होगा। हमेशा की तरह बढ़िया पिज़्ज़ा, बहुत ही बढ़िया पराठा पिज़्ज़ा है ये। या देसी स्टाइल पिज़्ज़ा, देसी स्टाइल पिज़्ज़ा है, साथ में चाय। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज है वो मेल्ट हो गई है। सासू मुझे अपना पिज़्ज़ा नहीं दे रही है, कह रही है दूसरा पिज़्ज़ा है उसमें से ले लेना। अभी बन रहा है और मैं ला रही हूँ, मेरा बन रहा है पिज़्ज़ा, लेकिन इसके बाद दो पीस हैं। अब की बार जो पिज़्ज़ा आएगा मैं उसे नहीं दूंगा, उसमें से एक भी पीस ध्यान रखना। ठीक है, तो पिज़्ज़ा सभी ने खा लिया है और अब लंच के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो मैं बाद में देखूंगी कि लंच में क्या बनाना है। तो अब मैं करने आ गई हूँ यहाँ पे, देखिए अब मैं कर रही हूँ इस समय पैकिंग। तो मैं पैकिंग क्यों कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तो ये सारी बातें अभी मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगी। तो टाइटल देख कर आप समझ तो गए होंगे कि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं पैकिंग कर लेती हूँ वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। पैकिंग में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो सारे जो कपड़े हैं वो मैंने निकाल के रख लिए हैं, तो उन्हें मैं सूटकेस में अरेंज कर लेती हूँ। हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग जा रहे हैं, यानी कि सुबह लगभग 6 से 7 बजे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मैं रात में ही पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है अचानक से हम कोई चीज़ भूल भी जाते हैं। तो अगर अभी मैं पैकिंग कर लूँगी तो फिर ये है कि कुछ याद आ जाता है तो कभी मैं रख लूँगी। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड के लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने और सासू के लगाऊँगी। तो अभी समय जैसा चल रहा है, इस समय हमें कहीं जाना तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी समय ऐसा आ जाता है कि जाना पड़ जाता है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जब बड़े लोग होते हैं और अगर वो बुलाएं और बार बार फ़ोन करते हैं कहते हैं तो उनकी बात भी माननी पड़ती है। और बस 2 से 3 दिन मतलब हुआ है ये प्लान बनते बनते कि हमें जाना है, उससे पहले कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। तो जो भी प्लान है वो अचानक से ही बना है और मैंने पहले आप लोगों को इसलिए नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया कि कहीं अगर हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है तो फिर आप लोग कहोगे कि नहीं गई और कह रही थी कि जाएंगी, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया। तो मैंने सोचा कि पहले सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उसके बाद हम जाएंगे। तो अभी खैर थोड़ा लॉकडाउन है, कहीं कहीं है कहीं कहीं नहीं है, चीज़ें खुल भी रही हैं तो इसलिए आसानी से जा सकेंगे। और फिर घर से सभी के फ़ोन आ रहे थे तो फिर हम ज़्यादा मना भी नहीं कर सकते थे, तो हमें जाना पड़ रहा है क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं उनकी बात तो माननी ही पड़ती है, माननी पड़ती क्या है, माननी चाहिए। तो जब वो लोग कुछ कहते हैं तो उस चीज़ को भी समझना चाहिए। तो इसीलिए बस
आप ये समझ लीजिए कि उन्हीं के कहने पे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो ये जो पैकिंग चल रही है, पहले मैं इसको पूरा फिनिश कर लेती हूँ, अच्छे से पैकिंग कर लेती हूँ ताकि कुछ भी छूट ना जाए, और फिर उसके बाद बैठ के मैं आपसे और ढेर सारी बातें करूँगी और बताऊँगी आपको कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कितने दिन के लिए जा रहे हैं। तो सारी डिटेल मैं आपको दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो पहले मैं सारे कपड़े अरेंज कर लेती हूँ। सबके पहनने के लिए कपड़े मैंने निकाल दिए हैं, सुबह हम लोगों को जल्दी जाना है इसलिए। और ये एक पैकेट है, इसमें मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ रख ली हैं, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मास्क है, ये भी हम ले जा रहे हैं, बेल्ट और ये पैकेट, इसमें थोड़ा सा मेकअप का सामान है। और ये देखिए, तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा देती हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी लापरवाही हम जाने में बरत रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये दो मैंने सैनिटाइज़र के स्प्रे वाली हैं और इनमें लॉक लग जाता है, तो ये मैंने दो रेडी कर ली हैं। और सारी जो भी पैकिंग थी वो मैंने कर दी है और सारा सामान टेबल पे सेट करके रख दिया है। तो अब मैं सोने जा रही थी तो मैंने सोचा कि नेल पेंट लगा लेती हूँ, तो रात में ना अच्छे से सूख जाती है और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि 5 जून को कुछ स्पेशल है जिसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो पहले हम लोगों ने सोचा था कि नहीं जाएंगे, पर घर में सभी का फ़ोन बहुत आ रहा था तो हम लोगों को इसलिए जाना पड़ रहा है। और 5 जून को क्या स्पेशल है वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं जा रही हूँ अपनी ससुराल में, तो हम लोगों को कल मॉर्निंग में 6 o'clock निकलना है और सारे प्रिकॉशन के साथ जाएंगे अच्छे से, और वहाँ से सारे प्रिकॉशन के साथ अच्छे से आएंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बाकी अपनी गाड़ी से ही जाना है, कहीं पे रुकना नहीं है। खाने का जो भी सामान है, कुछ जो चिप्स वगैरह हैं, क्योंकि तासु संग में है, बच्चे संग में होते हैं तो कुछ तो लेना ही होता है, तो वो हमने यहीं से ही ख़रीद के, और मैंने उसका पैकेट भी बना लिया, आपको दिखाती हूँ। मैं हस्बैंड जो है वो सारा सामान लेके आ गए थे तासु के लिए, तो वो हमने इसमें रख दिया है। बाकी खाना जो है वो मैं सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले खाना बना लूँगी और फिर हम लोग तैयार होकर निकल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने ससुराल में क्यों जा रही हूँ, 5 जून को क्या स्पेशल है, तो उसको देखने के लिए आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचेगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करेगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।